सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इस बेक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और भाई आज हम लोग काफी दिनों के बाद खेल रहे भैया स्क्वाड का मैच। और भाई इस वाले गेम प्ले में तुम्हारा भाई लैंड करता है मिलिट्री बेस में। और ये देखो उसके बाद फिर भाई साहब, उतरते दो बंदों की पेटी डाल दी तुम्हारे भाई ने। लेकिन भैया मिलिट्री बेस में अभी बहुत सारे बंदे आए हैं। और गाइस कसम से ये वाला गेम प्ले आप लोग पूरा देखो। तो ऊपर किसी ने पेटी बना दिया का। अभिन भाई साहब को ही देख लो भाई, क्या ही खतरनाक तरीके से ओपन में दौड़ रहे थे। लेकिन क्या ही कर सकते, भैया जी को लूट ही नहीं मिली थी। और भाई इसी जैसे बहुत सारे बंदे जिन लोगों को लूट नहीं मिली है। सामने बंदा है मेरा, गन है, लो मतलब गन है, नहीं 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 गन की मुझे लो। मैं ऐसा है ना, तुम क्योंकि यार अगर अपन रश नहीं करेंगे जब तक वो बंदे जो है आपस में लड़ लुड़ा के मर जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब का गेम है ना। तो फटाफट रश करते हैं। भाई साहब बंदों का दिमाग देख रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा भाई भी कम नहीं पड़ा इनके सामने। अब यहाँ पे देखो इन दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ, जिनमें से कि भाई दोनों की साइड से पेटी बन चुकी है। और अब बच चुका है लास्ट बंदा जो कि यहाँ पे रहता है, इसकी भी हम लोग यहाँ पे पेटी बना ही देते हैं। और यहाँ पे शायद से एक आध बोट आता है, उसकी भी पेटी बनाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भैया फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बहुत बात हो गई। क्योंकि भैया अगर निकलेंगे नहीं ना तो सारे बंदे पिल जाएंगे। मुझसे ले लो 60 है। लोकेशन अब देखो इस बॉट की पेटी बनाने के बाद हम लोग आगे की तरफ जैसे ही जाते तभी भैया हम लोग को यहाँ पे एक फ्लेयर दिखती है। और भाई यहाँ पे हम लोग को फ्लेयर दिखी नहीं थी पहले, वो तो अच्छा हुआ कि भैया हम लोगों ने उस बॉट की पेटी बनाई तो हम लोग को यहाँ पे फ्लेयर दिख गए। अब देखो फ्लेयर चलिए तो ऑब्वियसली यार बंदे तो होंगे, तो फटाफट ढूंढते हैं जरा उनको। और भाई लो यहाँ पे तुम्हारे भाई को दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं, जिनमें से कि एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, एक बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। और मैं जाता हूँ उसके ऊपर रश करने के लिए। तभी देखो भाई साहब यहाँ पे पूरी की पूरी टीम रहती है। भाई साहब चार बंदे थे। गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई आप लोग को ये वाला सीन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। और भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना। अब देखो भैया आप लोग अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो भाई हमारे चैनल पर 20 रॉयल पास का गिव अवे चल रहा है, ठीक है। उसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी BGMI की ID के साथ, ताकि आप लोग रॉयल पास जीतो तो मैं आपके अकाउंट में UC सेंड कर सकूँ, ठीक है। ये सबसे इजी काम रहता है क्योंकि कोडा शॉप पे अब UC ऐड हो चुकी है, समझ रहे हो ना, मतलब BGMI अपना ऐड हो चुका है, तो वहाँ से मैं आप लोग को UC सेंड कर दूंगा अगर आप लोग रॉयल पास जीतोगे तो। अब देखो काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ बंदे कमेंट तो कर देते हैं अपनी BGMI की ID के साथ में, और कई कई बंदे तो BGMI ID भी नहीं देते अपनी। तो भाई प्लीज़ BGMI ID के साथ कमेंट करो। और हाँ आप लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना जरूरी है भाई, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग गिव अवे में एंटर नहीं कर पाओगे।
भाई प्लीज ज्यादा देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोगों को सबसे टॉप में मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की लिंक। दो बंदे वन इज सीरियसली होते हैं। अब देखो मिलिट्री से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं मिल्टा की तरफ में, और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तभी हम लोग को सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है और उसके बाद एक बग्गी भी दिख जाती है और यहाँ पे ये भाई साहब भी दिख जाते हैं हम लोग को, जो कि भैया बिल्कुल मजे में लूट रहे थे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भैया इस बंदे ने अभी 3-4 स्क्वाड की पेटी बनाई है, क्योंकि भैया हम लोग जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं उनको देखने के लिए तो भाई वहाँ पे 3-4 बग्गी और एक आध गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब तो यही है ना कि भाई यहाँ पे बिल्कुल दबा दबा के फाइट हुई थी। ये देखो भाई एक बग्गी यहाँ है, एक बग्गी पीछे और एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। भाई साहब बिल्कुल गलत ही सीन थे यहाँ पे। अब देखो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद हम लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन भैया हमारी डासिया का जो रहता है फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे मतलब एक एक बग्गी पे बैठ जाते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पे एक बग्गी और आती है। और भाई तुम यकीन मानो इस एक बंदे के चक्कर में अब यहाँ पे जो तुम देखने वाले हो ना बिल्कुल गलत देखने वाले हो। अब यहाँ पे देखो आप लोग बोल रहे हो कि भैया क्या गलत देखने वाला है, इस बंदे को तूने नॉक तो कर दिया, लेकिन भैया रुको अभी सबर करो, बहुत खतरनाक वाले सीन होने वाले हैं। यहाँ पे इस बंदे को नॉक तो कर दिया, इससे हम लोग बात करने की ट्राई करते हैं, बोलते हैं कि भैया बताओ तुम्हारे टीममेट वगैरह कहाँ हैं, लेकिन ये बंदा कुछ बोलता नहीं है, तो हम लोग को लगता है कि चलो भैया इसकी पेटी बना के हम लोग निकलते हैं। महंगी पेटी बनाओ। अरे अरे इसकी वाली बनाना था बंदो। अरे इसमें ना दो यार, अब देखो इस बंदे को हम लोग थोड़ा बहुत ट्रोल करते हैं और इसकी पेटी बना के हम लोग का मन होता है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन इतने में इसका टीममेट यहाँ पे आ जाता है और इसके पीछे हम दोनों लग जाते हैं, और वो दोनों जो है अनीस और काजल वो पीछे रुक जाते हैं। और भाई अब उनके साथ जो सीन होंगे ना बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस वाली टीम का ये प्लान था कि एक बंदा हम दोनों को यहाँ ले जाए और दो बंदे वहाँ छूट जाए ताकि वो लोग उनकी पेटी बना दे। देखो बस हम लोग गाड़ी लेके चले गए भाई। दो बंदे थे जिसे उनको मारते रुको, उनको मारते एक को नॉक करते रुको। एक्सीलेंट वर्क। अरे उधर पेटी हुई यार, अनीश को मारने गया था। अरे यार और कर दो यहां पिक अब देखो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था गाड़ी में, लेकिन ये दूसरा बंदा कैसे नोक पड़ा था यहाँ पे, भाई लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब खैर यार जो भी हो, हम लोगों ने इन दोनों की तो पेटी बना दी, मेरे को फ्री फोगट के 2 किल मिल जाते हैं, लेकिन भाई अनीस के इधर बंदे आ चुके हैं क्योंकि भाई अभी अनीस नोक हुआ था। और ये लो भैया काजल को भी खतरनाक डैमेज पड़ चुका है, तो फटाफट चलते जरा उधर। अब देखो सच बताऊं तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हगा नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैंने जितना डैमेज दिया उतने में बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कौन सी जमाने की बंदा जो है वेस्ट पहने रहता, भैया नॉक ही नहीं होता। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन को इजी रिवाइव मिल जाता। अच्छी बात यह रहती कि वो बंदा अपने ऊपर रश नहीं करता, लेकिन अपन जरूर करेंगे अब हील करके। यहाँ पे एक वॉल बनाना, वॉच आउट। बन गई, एक राइट साइड पे बना दी, वॉच आउट। पैक कर दे रहा आपको, रुको पैक नहीं करती हूँ। निकलो निकलो जल्दी, देखना वो टप टप मारता है। अब देखो भाई जिस बंदे ने मेरे को नॉक किया था उसकी तो मैंने पेटी बना दी है, लेकिन भाई यहाँ पे कितने सारे बंदे भाई पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बंदा लेफ्ट में भी गया, लेकिन सबसे पहले ये सेक वाले बंदे के ऊपर रश करता हूँ। और देखो oh.
अज्जू को भाई लग रहा है ये। वाच आउट। वाच आउट। अरे ऊपर ग्लेशियर वो ग्लेशियर वाला इफेक्ट। और भाई अब जाके समझ में आया कि भाई ये पूरी की पूरी एक ही टीम है। अब यहाँ पे इस टीम का सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा बच चुका है और शायद से बंदा क्या लगता है 1v4 कर देगा कि उसके साथ 4v1 होने वाला है। देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भाई 4v1 होने वाला है। अब देखो भले ही बंदा हम लोग को नहीं मार पाया लेकिन कुछ भी कहो बंदा बहुत सही खेल रहा था। मेरी HP लिटरली उसने 0 कर दी थी और अनीस को तो नोक ही कर दिया था। अनीस पता नहीं कितनी बार नोक हुआ इस बंदे से। भाई मैं तो इस बंदे को अच्छा कहूंगा क्योंकि भैया ये बंदा बहुत सही खेल रहा था। और ये देखो भाई कौन से नशे थे पीछे, देखी पेटी हवे में थी भाई। हद यार कुछ भी गेम है ये तो। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं अकेला यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि भैया यहाँ पे चली थी फ्लेयर ड्रॉप और मेरे जो टीममेट थे उनको गाड़ी अब मिली थी और मेरे पास पहले से ही बग्गी थी क्योंकि भैया गाड़ी जो है फूट फाट चुकी थी वहाँ पे। और भाई यहाँ पे आने के बाद मेरे को दो बंदे सामने की तरफ स्पॉट भी हो जाते हैं और अब बारी है उनके ऊपर रश करने की। लेकिन भैया क्या पता वहाँ पे पूरे के पूरे 4 या 3 बंदे हो इसलिए मैं अकेला नहीं जाता हूँ, पहले मेरे टीममेट को बुलाता हूँ यहाँ पे। अरे आ गए आ गए, चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे हो उधर से? और भाई यहाँ पे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे लेकिन कुछ भी कहो लास्ट वाले बंदे के पास में भाई ग्रोजा थी और ग्रोजा तुमको पता ही होगा भैया क्या ही गन है। और मेरे पास एक तो वेस्ट भी नहीं थी अच्छी खासी कि मैं ग्रोजा से लड़ सकूं लेकिन यार मेरे टीममेट यहाँ पे आ जाते हैं इसलिए अपनी पेटी नहीं बनती है, बच जाते हैं अपन। और अब निकलते हैं यहाँ से सीधा क्योंकि लास्ट बंदा बचा है और उस लास्ट बंदे को ढूंढते ढूंढते भाई और भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनतों के बाद वो बंदा हम लोग को पोचिंग की मैं स्पॉट होता है। और भाई जोन देखो तुम कितना छोटा बच चुका है भाई साहब, बिल्कुल गलत ही सीन है। और इस बंदे को तुम देखना क्या नशे करके बैठा था भाई, गुड्डू जो है उसके पीछे चला जाता है देखो। अरे मुंह पर आके बैठ गया उसको पता ही नहीं। तो चलो यार गाइस आज के गेम प्ले वीडियो में इतने तक। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, मेरे भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो प्लीज़ गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और गिव अप में एंटर कर लो। और हाँ यार तुम्हारा भाई जो है शायद से पॉपुलैरिटी रैंकिंग में 29 पे है तो फटाफट 27 या 26 पे पहुंचा दो। आईडी आप लोग को पता ही होगी, नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रिक्वेस्ट भेज देना, हो सके तो मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगा लेकिन ज़्यादा लोगों की नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग को पता होगा भैया ये पबजी है, फेसबुक नहीं है ना।